नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया विजन न्यूज चैनल। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जयपुर यानी पिंक सिटी का आज 294 हैप्पी बर्थडे है। विरासत और विकास की जुगलबंदी जो इस शहर में है शायद ही कहीं होगी। जयपुर को बसाने वाले सवाई जयसिंहपुर द्वितीय ने 18 नवंबर 1727 को जयपुर की स्थापना की। इस शहर की नींव रखने वाले महाराज जयसिंह ने एक ऐसे शहर की कल्पना की थी जो ना सिर्फ स्थापत्य कला की दृष्टि से बेहतर हो बल्कि कला, संस्कृति और फैशन की राजधानी कहे जाने वाली नगरी पेरिस को भी टक्कर दे। जयपुर को पेरिस के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर कछवाहा वंश की राजधानी भी रहा है। इसकी स्थापना से लेकर आज़ादी तक कई शासकों ने इसके विकास में अपने सामर्थ्य के हिसाब से योगदान दिया। आज़ादी के बाद जयपुर ने ज़बरदस्त तरक्की की। आज ये शहर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल है। महाराजा जयसिंहपुर द्वितीय ने जयपुर शहर की स्थापना बड़ी दूरदर्शिता से की। शहर की स्थापना के समय यहाँ चौड़ी चौड़ी सड़कें रखी गई, जो सड़कें आज भी सैलानियों को आकर्षित करती हैं। पहले शहर को चार दीवारी के अंदर यानी परकोटे में बसाया गया था, लेकिन वक्त के साथ बढ़ती आबादी के कारण शहर परकोटे से निकलकर आज कई किलोमीटर दूर तक फैल गया है। करीब 294 साल की यात्रा में जयपुर ने आधुनिक रूप ले लिया है। अपनी बिजोड़ वास्तुकला से विश्व प्रसिद्ध जयपुर को जयपुर भी कहा जाता है। जयपुर शहर के लिए कहा जाता है जयपुर शहर नगीना, नीचे माटी ऊपर चूना। गुलाबी नगरी जयपुर, इसका इतिहास, जयपुर के फेमस बाजार, यहाँ की ऐतिहासिक इमारतें, यही खास आकर्षण देसी और विदेशी पर्यटकों को जयपुर खींच लाता है। यहाँ की कला, संस्कृति, खान पान आज विश्व पटल पर अपनी अलग पहचान रखता है। 10 सबसे खूबसूरत शहरों में शुमार जयपुर 294 साल का हो गया है, लेकिन आज भी इसकी विरासत अपनी कहानी खुद कहती नज़र आती है। विश्व मानचित्र पर ऐतिहासिक नगरी में शामिल गुलाबी नगरी 294 साल की हो गई है। इस दौरान शहर ने कई बदलाव देखे, लेकिन इन बदलावों के बीच आज भी यहाँ की बावड़ियाँ, चौकड़े चौकड़ियाँ, दरवाजे शहर की धरोहरों को बरकरार रखे हुए हैं। इसी का नतीजा है कि जुलाई 2019 को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया और अब आधुनिक दौर में पिंक सिटी मेट्रो सिटी भी बन चुकी है।